नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर इस साल दो महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। दरअसल गणतंत्र दिवस समारोह अब हर साल 24 जनवरी की बजाय 23 जनवरी से शुरू किया जाएगा। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। इसके अलावा अब इस समारोह को आज से 30 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा और जिसमें मुख्य समारोह 26 जनवरी को शुरू किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में होने वाले फ्लाई पास्ट 10 बजे की बजाय 10:30 बजे शुरू किया जाएगा। परेड के समय में बदलाव के मुख्य कारण विजिबिलिटी है, जिसके कारण यह आधा घंटा डिले होगा। समारोह 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया गया। इसका समापन 23 जनवरी को शहीद दिवस के उपलक्ष्य में होगा। राष्ट्रीय राजधानी के राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह के करीब 1000 ड्रोन, 75 सैन्य विमान और 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 9 मंत्रालयों को झांकियां दिखाई देगी। इसके अलावा गणतंत्र दिवस परेड में आने वाले दर्शकों में भी काफी कमी देखने को मिलेगी। पिछले साल जब पहली कोविड-19 की लहर कम हो रही थी, तब लगभग 25,000 विजिटर्स को अनुमति दी गई थी। इस साल संख्या 5,000 से 8,000 के बीच होगी। इसमें काफी बदलाव आया है और अभी भी काम किया जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 मामलों में काफी वृद्धि हुई है। दिल्ली में आज 73वें गणतंत्र दिवस परेड की खूब रिहर्सल चल रही है। इस दौरान गणमान्य व्यक्तियों के अलावा पूरी परेड ठीक वैसे ही दिखाई जाएगी जैसे 26 जनवरी को होगी। सेना के मार्चिंग टुकड़ियों से लेकर टैंक, तोप, बैंड तक का हिस्सा लेंगे। वायुसेना को फ्लाइट्स भी दिखाई जाएगी। गणतंत्र दिवस की परेड हर साल बड़े ही जोश और उत्साह के साथ पेश किया जाता है। गणतंत्र दिवस की परेड हर साल राजपथ पर होती है। सबसे पहले 1951 में पहली गणतंत्र दिवस परेड आयोजन इरविन स्टेडियम में किया गया था। फिर साल 1955 में हर साल राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड का आयोजन किया जाने लगा। इसके बाद हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर सुबह 10 बजे ये परेड राजपथ ही होता है। लेकिन 26 जनवरी 2022 को इसमें पहली बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दरअसल इस साल देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी में है। राजधानी दिल्ली में अगले हफ्ते एक बार फिर परेड का आयोजन किया जाएगा। हालांकि इस साल शुरू करने की टाइमिंग 10 नहीं बल्कि 10:30 होगी। 75 साल में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड देरी से शुरू होगी। कोरोना प्रोटोकॉल और श्रद्धांजलि सभा की वजह से इस साल परेड का कार्यक्रम देर से ही शुरू किया जाएगा। आप सबको न्यूज इंडिया की तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे।